फ्रेंड्स, अमृत दैया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप हैं अमृत दैया के साथ में। तो क्वेश्चन हैं जैसे कि पीटीसी मीडिया से रिलेटेड, तो इस टॉपिक जो होता है वो ये न्यूट्रिएंट मीडिया का काउंट होता है। जैसा कि क्या होता है कि जब पीटीसी जो होती है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसमें हम क्या करते हैं लैब के अंदर इन विट्रो जो कंडीशंस हैं उसमें किसी प्लांट को ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लांट्स को कंपोजिशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, केमिकल कंपोजिशन जो कि उसके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लांट जो होता है जैसे कि बाहर तो नेचुरल कंडीशन में तो अपने लिए फूड खुद बना लेता है, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू, बट लैब के अंदर क्या होता है ये जो होता है हिटरोट्रॉप हो जाता है, मतलब ये इसे ये अपना फूड जो है खुद नहीं बना पाता है, ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब इसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करने पड़ेंगे और इसके लिए केमिकल कंपोजिशन बनानी पड़ती है। उस केमिकल कंपोजिशन को क्या कहते हैं, वो यही पूछ रहा है कि डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड ए नेचुरल मीडिया, बी आर्टिफिशियल मीडिया, सी सिंथेटिक मीडिया एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंथेटिक मीडिया, क्योंकि मीडिया को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक मीडिया कंपोजिशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। जो सिंथेटिक मीडिया कंपोजिशन है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है प्लांट स्पीसीज, बी मटेरियल यूज फॉर कल्चर एंड सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो प्लांट स्पीसीज मतलब आप कौन से प्लांट को जो है टिश्यू कल्चर करवाना चाहते हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिएंट तैयार करने पड़ेंगे, मीडिया कंपोजिशन देखनी पड़ेगी। एंड बी जो है वो है मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर, इसका मतलब होता है एक्स प्लांट, मतलब प्लांट का पार्ट जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है उसे एक्स प्लांट कहते हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का, ठीक है। तो एक्स प्लांट होगा और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं क्योंकि दोनों पर डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अर्लीस्ट मीडिया डेवलप्ड फॉर रूट कल्चर। ये पूछ रहे जैसे कि हमारे सिलेबस में मीडिया है डिफरेंट, जो मीडियम दे रखे हैं कौन कौन से मीडियम है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसी में से ही है कि विच इज अर्लीस्ट मीडिया, ठीक है, डेवलप्ड फॉर रूट कल्चर, रूट कल्चर के लिए कौन सा मीडिया डिजाइन किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो ऑप्शन है MS मीडियम, वाइट मीडियम, B5 मीडियम एंड निश्च मीडियम, तो आंसर हो जाएगा वाइट मीडियम, ठीक है। यहाँ पर जो रूट कल्चर के लिए डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम वो मीडिया था वाइट मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट है विच मीडियम इज मोर सुटेबल फॉर एंथर कल्चर, तो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, वाइट मीडियम, MS मीडियम, B5 मीडियम एंड निश्च मीडियम, तो आंसर हो जाएगा निश्च मीडियम। ये निश्च मीडियम जो एक्चुअली जो है एंथर कल्चर के लिए तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ मीडियम विच इंक्लूड्स वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स, फ्रूट्स, फ्रूट जूस एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट फॉर PTC इज कॉल्ड, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था मीडिया टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, तो सिंथेटिक तो केमिकल कंपोजिशन होती है, बट नेचुरल में क्या होता है जैसे कि ये पार्ट्स यूज किए जाते हैं, फ्रूट जूस हो जाए, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना नेचुरल मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करेक्ट द फॉलोइंग। अब क्या होता है जैसे मीडिया कंपोजिशन होती है तो उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट यूज किए जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट जो होती हैं तो वो न्यूट्रिएंट होंगे, तो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछ रहा है ये कि जो न्यूट्रिएंट है उनको मैच करना है आपको कि उनका फंक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने डिज़ाइन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन होता है प्लांट के प्रस्पेक्टिव में, तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है एंड जिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर चार न्यूट्रिएंट दिए गए हैं, इनके फंक्शंस देखने हैं। तो जो कैल्शियम जो है सबसे पहले अगर कैल्शियम देखा जाए तो कैल्शियम जो होता है यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कैल्शियम जो है वो क्या है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल सिंथेसिस, मतलब क्लोरोफिल का पार्ट क्लोरोफिल सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एंड आयरन जो है वो क्या है, आयरन यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम है, ठीक है। एंड जिंक जो है कोफैक्टर ऑफ एंजाइम है, सब कुछ एंजाइम कोफैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा जैसे कि कैल्शियम का 4 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 3 हो जाएगा एंड सी का 1 है एंड डी का 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप इसमें से जरूर तैयार करना, क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिएंट में क्या होता है, जैसे कि 5 माइक्रोमोल, ठीक है, पर लीटर। ठीक है, ये तो यूनिट है, ये जो कि आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो होती है माइक्रोमोल पर लीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 0.5, ठीक है, तो 0.5 से अगर ज़्यादा है तो वो तो, अगर जिसकी रिक्वायरमेंट 0.5 से ज़्यादा है वो तो मैक्रो होता है, ठीक है, और जिसकी 0.5 से कम होती है वो माइक्रो होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं CNPK, ठीक है, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, तो ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसमें जिंक जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, जिंक जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। सल्फर जो है सब, जैसे कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं तो उनमें सब में नहीं होता है, कुछ एक अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर जो होता है इस तरीके से, या दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में प्रेजेंट होता है, या एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में प्रेजेंट होगा, तो ये जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो एमिनो एसिड होता है, कौन से एमिनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर है सिस्टीन, मिथियोनिन, सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर सिस्टीन और मिथियोनिन दोनों के अंदर ही सल्फर होता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन PTC कार्बन सोर्स इज एडेड एज एनर्जी सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इट। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है कार्बन, क्योंकि इन विट्रो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो कार्बन के तौर पर जो है एनर्जी सोर्स कौन सा होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट है जैसे कि सुक्रोज इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली, ये सही है, सुक्रोज का यूज होता है कार्बन सोर्स के तौर पर ज़्यादातर। सेकेंड है, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड ड्यूरिंग ऑटोक्लेव, जब आप इसको ऑटोक्लेव करते हो तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये भी सही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है, नेचुरल मीडिया इज नॉट सुटेबल फॉर PTC, PTC के लिए कौन सा जो मीडिया है वो सुटेबल, मतलब ये पूछ रहा है कि नेचुरल मीडिया जो हम यूज करते हैं वो सूटेबल नहीं है PTC के लिए, क्यों नहीं है। ठीक है, मोर सूटेबल पूछ रहा है, क्यों नहीं है, तो इसमें आपको देखना होगा, देखो क्यों नहीं होता है, एक तो है ड्यू टू pH, ड्यू टू कॉस्ट, ड्यू टू वेरिएशन इन ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे नेचुरल मीडिया के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि वेजिटेबल्स यूज किए जाते हैं, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, फ्रूट जूस हो सकता है, या प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, कोई भी हो सकता है। अब इनमें क्या होता है, जो ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा कि नेचुरल मीडिया हम इसलिए यूज नहीं करते ड्यू टू वेरिएशन इन ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर। ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर जो होता है उसमें आपको वेरिएशन देखने के मिलेगी इन केस ऑफ नेचुरल मीडिया, तो इसलिए नेचुरल मीडिया जो है वो आजकल ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, पहले यूज किया जाता था, आजकल जो है सिंथेटिक मीडिया जो है वो ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, MS मीडिया वॉज डेवलप्ड बाई, ये मैंने इसलिए बना ली क्योंकि MS मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया होता है। ठीक है, एंड इसके रिगार्डिंग ये पूछा जा सकता है क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन है 1961, 62, 71, 72, तो आंसर हो जाएगा 62। ठीक है, 1962 जो है उसमें डेवलप किया गया था MS मीडिया, ये MS मीडिया की फुल फॉर्म है मोरासिग एंड स्कूग। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज नॉट यूज इन PTC, तो PTC के अंदर ज़्यादातर जो यूज होता है वो होता है ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिन होता है एंड एब्सिसिक एसिड होता है, तो ये जो है ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, इथाइलिन जो होता है वो यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, विच ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन तो यूज होती है बट ऑक्सिन में भी कौन सा ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है एंड वाइडली यूज होता है,
ये सॉरी गलत हो गया अपना यूज, ठीक है, वाइडली यूज इन पीटीसी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो देखिए 24D, NAA, 245T एंड IAA। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सिन यूज होता है वो यूज होता है 24D, तो आंसर हो जाएगा 24D जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन हार्मोन इज डेरिवेटिव ऑफ, जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो किसका डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो आंसर हो जाएगा एडिनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन डेरिवेटिव ऑफ एडिनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन पीटीसी, मतलब साइटोकाइनिन जो होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो होता है उनके फंक्शन बताने हैं कि सेल डिवीजन है, ऑप्शंस है सेल डिवीजन, सूट डिफरेंशिएशन, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ दीज, जो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन भी करता है, सूट डिफरेंशिएशन भी करता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जिब्रेलिन इज मोस्टली यूज्ड इन पीटीसी। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है GA1, GA2, GA3, GA4। लगभग कई सारे जिब्रेलिन के हार्मोन्स होते हैं, टाइप्स हैं, तो उसमें आंसर हो जाएगा अपना जिब्रेलिन 3। जो जिब्रेलिन 3 है वो मोस्टली यूज होता है इन पीटीसी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन इन पीटीसी। पीटीसी जिब्रेलिन का जो फंक्शन है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग है कि भाई जिब्रेलिन कौन सा फंक्शन जो है नहीं करता है, इसमें ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें है कि प्रमोट प्लांट लेंथ, तो जिब्रेलिन जो होता है आपने देखा ही है कि लेंथ बढ़ाने में फंक्शन तो करता ही है। इनहिबिट एडवेंटियस रूट एंड शूट फॉर्मेशन एंड सॉरी यहाँ पर भी सी आएगा अपने, ठीक है। प्रमोट ग्रोथ ऑफ सेल एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन प्रमोट प्लांट लेंथ भी सही है, इनहिबिट वाला भी सही है एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ सेल भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अगार, ठीक है, कि विच स्टेटमेंट इज अगार के बारे में। जैसे अगार जो होता है मीडिया के, तो मीडिया में यूज किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम बनाते हैं लैब के अंदर से, तो उसमें जो है अगार का यूज किया जाता है। तो उससे रिगार्डिंग ऑप्शन देखने कि इट इज यूज एज सॉलिडिफाइंग एजेंट, तो सॉलिडिफाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 1% तक की कंसंट्रेशन यूज की जा सकती है अगार की, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो मीडिया को जेल बनाने में फंक्शन करेगा, ठीक है, जेल बनाने में हेल्प करेगा। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। इट इज स्टेबल एट कल्चर टेम्परेचर, ये भी सही है, कल्चर टेम्परेचर जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, या रूम टेम्परेचर तक भी क्या होता है ये आपको स्टेबल मिल जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट रिएक्ट विद मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये भी सही है, ये मीडिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इट डाइजेस्टेड बाय प्लांट एंजाइम, ये गलत है, क्योंकि ये प्लांट एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी जो है सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच फॉर मीडिया इन पीटीसी। पीटीसी के लिए, पीटीसी में जो मीडिया यूज करते हैं उनके लिए पीएच, ऑप्टिमम पीएच क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है 4-5, 5-6, 6-7, 5.8-6.8। तो इसमें जो पीएच जो होती है वो होती है ऑप्टिमम 5-6, ठीक है, 5-6। इससे ऊपर अगर आप यूज करते हो पीएच तो आपको मीडिया सॉलिड मिलेगा, अगर इससे नीचे आप यूज करते हो तो मीडिया जो है प्रॉपर जेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एंड 4.5 पीएच से तो प्लांट नीचे ग्रोथ ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये पीएच के कुछ पैरामीटर हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट है, सेंक एंड हिंड्रेंट मीडियम हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, ठीक है, जो सबसे लास्ट में जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मीडिया है, तो उसमें जो है इसका जो है यूज किस लिए किया गया था। तो ऑप्शंस हैं कि सेल सस्पेंशन के लिए इसे डेवलप किया गया था, सेल सस्पेंशन फर्स्ट वाला जो है अपना सस्पेंशन है, सेल सस्पेंशन के लिए किया था, रूट कल्चर के लिए किया था, शूट कल्चर के लिए किया था एंड ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल सस्पेंशन के लिए। तो ये वाला जो मीडिया आपको याद रखना है, सेल सस्पेंशन के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। जो रूट कल्चर जो था वो वाइट मीडिया जो था अपना
वो रूट कल्चर के लिए डेवलप किया गया था, एंड एमएस मीडिया जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए डेवलप किया गया था। तो मीडिया से इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए। तो इसी के साथ में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो जो है वो मिलते रहें। इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।